Welcome, Adam. Welcome to our Peace Committee monthly meet. Nenu, mee Jeevan Aditya. March nela Peace Committee meeting ki andariki swagatham. Ee March nelalo jarigatundi Peace and Welfare Committee Central Zone lo jarigatundi visheshalanu nenu mee mundu unchutunnanu. 2 gantalaki Gayatri Bhavan lo meeting ni erpatu cheyadam jarigindi. CM toti గవర్నర్ గారితో అపాయింట్మెంట్స్ మన రవీంద్ర గారు డాక్టర్ రవీంద్ర గారి సహాయంతో ఏర్పాటు చేసుకుందాం అన్నారు. సో ఒకటి అపాయింట్మెంట్స్ వస్తే అందరం కలిసి కలుద్దాం. హమ్ సబ్ మిల్కే గవర్నర్ అండ్ సీఎం సాబ్కు మిలేంగే బోల్ రాయ్. సో ఏ మీటింగ్ మే ఐసా ఐసా అచ్చే బాతే ఆయే బహుత్ రెజల్యూషన్స్ కియా హరేక్ మెంబర్ ఏ మీటింగ్ మే పార్టిసిపేట్ కియా బాత్ కియా. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ థింక్ యూ విల్ సీ అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో. Namaste. I request every member to subscribe our channel and encourage this effort. किसी के बारे में अच्छा सोचना, कोई सामने वाला कैसा भी है उससे अपने कोई लेना देना नहीं है. अपने को ऊपर वाले बोलते हैं कि हर एक के दिल में. अंदर नमस्कार. गुड आफ्टरनून ऑल. सलाम अलैकुम टू ऑल. ఇప్పుడు మన లీడర్లు మన మెంబర్స్ అందరిని కూడా ట్రైనింగ్ చేస్తారు, సిస్టమాటిక్ చేస్తారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను కూడా ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. सकते हैं और इससे पहले बोले सो जो भगवान के बारे में
जो बहुत ही अच्छा बात बोले सो है, तो मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है रिसेंटली देख रहे सो, आपने कुछ कमजोर करने के लिए अपने दिल में डर लगाना शुरू कर रहे, तो वो टाइम पे सोचे मैं भी ऐसी टीम में देख के टाइम पर सोच के जब भी अपने को कोई चीज़ अपने कमजोर करने को डर पैदा करके करने को देखे तो उस टाइम पर भगवान को याद कर रहे तो ऑटोमेटिक डर निकल जा रहा, तो उस हिसाब से बहुत सी अच्छी बात है और ये जो मौका मेरे को दिया सो उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। हमारे सबको और होली होली की सबको शुभकामनाएं, जो मौका दिया उसके लिए। लास्ट टाइम जैसा आप लोग जो है चकरपली पी एस और मुर्शाबाद में थे सर, तो हमारे बड़ों को अपन सुनना है, एज ए प्रेसिडेंट साहब जो डीओ कमर्स आए थे तो उनको बोले थे कि अंदर नहीं जाना, हम लोग बाद में मिलेंगे, नहीं जाना बोले तो भी वो लोग सर की बात नहीं सुन के जो है फिर अंदर जाके मिले। ये डिसिप्लिन के खिलाफ है, डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। जब हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब बोलते हैं तो उस चीज़ को फॉलो करना, मैं समझता हूँ वही रीज़न होगा आज उसकी वजह से वो दो लोग नहीं आए। तो खैर आप लोग अपना जो है ख्याल रखिए इस चीज़ का, क्योंकि जो बड़े बोलते हैं उसको सुनना चाहिए, अपन फॉलो करना बन जाएगी, और ये मौका दिया सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहली बार आपने प्रेसिडेंट साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी हाजिर हुए, हमारे बहुत हिम्मत दिलाए सुख के साथ मिलने का, मिलजुल के रहने का, क्या करना क्या नहीं करना वो सब बताए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये एक नया अधिकार है आपके रास्ते में, हमारे प्रेसिडेंट साहब का इससे कि रास्ते से आपका इससे हिदायत से दूसरे जोन वाले भी हर रेसिपी के पास गए, हर रेसिपी को पास आपको भी लेके गए, बहुत अच्छा लगा साहब। ये सिस्टम जरा क्या है, ये इंटरेक्शन ये इनसाइड द बॉडी, अब ये अपने अपने जोनों में के जो मिलना जुलना वो सब कहता अच्छा बात हुआ साहब, मेरे को अच्छा भी लगा। और मेहमान से बधाई, और काफ़ी दिन हो गया अपन कोई सोशल एक्टिविटी नहीं करें, तो अगर किसी के पास कोई सजेशन कोई प्रपोजल है तो आप लोग रखिए, अपन प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेके कमिंग मंथ में समर भी है, हॉलीडेज भी रहते, आफ्टर रमजान या ईद के बाद अपन जो है कोई सोशल एक्टिविटी जल्दी प्लान करें। Founder, General Secretary was Sadiquddin Sar, Ahmadullah Sadiquddin Sar, given that right shall be like our President Sir, that much of right. So you have not created any excuse with regard to your dress code, but senior person really rejected his expressive, because you could not wear white pant because of... आपको स्पेशल करके बता रहा है, आपके बोलते हुए पांच छह लोगों को इशारा है। मेनली एक जो है ये मंत्र, ये रमजान का ग्रीटिंग्स, रमजान मुबारक ग्रीटिंग्स एडवांस। अभी मैं एंटर होते वक्त तो मेडिकल का कुछ टॉपिक आ रहा था, किडनी के बारे में, उसके बारे में आपके जितने भी फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके फैमिली में कंप्लेंट है, आप डॉक्टर को ट्रीटमेंट भी बदलना नहीं, आप डॉक्टर को बदलने से पहले आपके फैमिली डॉक्टर को पूछ के बदल, यू फ्रीक्वेंटली चेंज इन द डॉक्टर्स, उससे यू आर इन्वाइटिंग अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस। अरे भी अरे यार ये जड़ी बूटी का, जड़ी बूटी का मतलब एक आयुर्वेदा, जो मेन आयुर्वेदा ऑरिजिन फ्रॉम इंडिया, आयुर्वेदा जो मेन जो है इंडिया का जो मेन है ऑरिजन है, उसमें रिसर्च जो करे सो वाले लोग जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, लिटरेचर ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कौन सा दवा जांडी सिरकाने के लिए, कौन सा फिस्टुला के लिए, कौन सा पाइल्स के लिए, अभी भी कंफ्यूजन है, वो मास्टर पहचान सकता। अपन क्या है, ऑफ नॉलेज से केसेस फाइल करके पासन करके दे रहा हूँ,
कई चीज़ें ऐसी है, दो शायद न्यूज़पेपर में फेंक के देता हूँ और घर में ला के खा रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस की हैबिट ऐसी है बाय बर्थ, मट्टी में हम लोग खेलते हैं, मार लग जाती है तो वही मट्टी उठा के छान करके उसको लगा देते हैं हम लोग, हमको एंटीसेप्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्यूज़पेपर को फाड़ करके वही लगा लेते हैं अपन लोग, ब्लड निकलने लग गया तो वही सोख कर ले करके ख़त्म हो जाता, अपना रुक जाता वही। बाकी ठीक है, डॉक्टर है उनके हिसाब से जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि मैं कई बार देखा कि कच्चा कैरी घर में ला करके उस न्यूज़पेपर में लपेट के रख दो तो दो तीन दिन के अंदर पक जाती हूँ, क्योंकि जो प्रिंटिंग का जो इंक यूज़ होता है उसके साथ में कार्बन रहता है, उसको कार्बन की वजह से उसको रिएक्ट करते थे जल्दी से पक जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब। मैं रेस्पेक्टेड शिक्षक शर्मा जी मेरे और टीम मेम्बर्स मेरी फैमिली, रमज़ान की आप सबको हार्दिक बधाई और आने वाली होली की भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि होली और रमज़ान दोनों ही साथ में हैं, तो हो सकता है जिस दिन हम होली खेल रहे हो हमारे मुस्लिम भाई रमज़ान में रहेंगे, नमाज़ पढ़ने जाएंगे, मस्जिद जाते रहेंगे, तो ऐसे में जो रोड पे बच्चे लोग फिरते हैं करते हैं कि जोश में आ जावे कर जावे, वो ध्यान नहीं रहता जोश के टाइम पे कि भाई भाई रोज़े में है, नमाज को जा रहे, नमाज के लिए जा रहे, कर रहे, कलर लेके डाल देवे कर देवे, ऐसे भी छोटे मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं ऐसे माहौल में, तो इस चीज़ को भी हमको अपने अपने मोहल्ले में अपने बस्ती में मॉर्निंग से ही थोड़ा ध्यान रखना है, अवेयरनेस रहना है कि बच्चे कहीं ऐसा कहीं ना कर देवे कि जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो सके, क्योंकि आने वाले इलेक्शन का भी माहौल है, हो सकता है कुछ लोग यानी अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो पॉलिटिशियंस इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, यानी इसको किसी प्रकार का रूप दे देते, रंग बना देते उसका कि भाई हैदराबाद के अंदर ऐसा माहौल होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, किंतु हमारे को ध्यान रखना है कि अपने माहौल न बिगड़ने दें हैदराबाद का, और दोनों ही फेस्टिवल सब मिलजुल के मनाएं, कभी किसी किस्म से कभी कोई बच्चा किसी पे रंग दाग देता है तो उस भाई को भी हम लोग समझा दें बच्चा है ये है और इस चीज़ का, उसको भी समझा बुझा करके अपन लेके चले जाए, तो इसमें हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसा अपने शहर को अमन को अमन में रखना है। दूसरी, हमारे DCP साहब वापस से चेंज हो गए, नए DCP आए, जो अभी DCP आए हमारे ये अपने पहले राजभवन में थे, जो गवर्नर के साथ में जो है पूरा प्लानिंग व्लानिंग करने का सिक्योरिटी में थे, तो अभी जो अभी अपने पास में आए हुए हैं तो वो जल्दी हम लोग उनसे पहले मिलकर के टाइम में मिलेंगे, उनसे भी अपन लोग मुलाकात करेंगे। हो सकता है इलेक्शन कोर्ट चल रहा है तो कई लोग डरे हुए रहते कि इलेक्शन में हम लोग मिले करें कराए तो कई बार ट्रांसफर्स हो जा रहे हैं, तो कई बार के कई लास्ट टाइम जो हम लोग देखे थे इलेक्शन में वो दन 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 ऐसा दिख रहा था कि इलेक्शन आया क्या आया कि फिर पुलिस ऑफिसरों के ऊपर ही गैस गिर रही थी हर जगह से, तो उस चीज़ को देखते हुए आज जैसा पेपर में आया कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे ये करेंगे वो करेंगे रूल्स रेगुलेशन में, तो डिसिप्लिन सब लोग पुलिस ऑफिसर से भी ये प्रॉब्लम आ सकता, कहीं हमारे साथ लोग बता SHOs ACPs भी कहीं चेंज हुए अपने सेंट्रल जोन के अंदर, उनसे भी हम लोग कोशिश करेंगे अपॉइंटमेंट लेने की, वो अगर बिल्कुल खुशी से मिलना चाहते हैं तो बराबर अपन जाएंगे जाकर उनका बिल्कुल वेलकम करके आएंगे साथ में। कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम लोग उनसे जब हम मिलने जाते हैं उसमें बराबर आइए, आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा, ऐसा है कि जो हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर तो हमारे कुछ रिलेशंस हैं उसमें कुछ ना कुछ बोल के करा सकते हैं, अगर आपका उर्दू पेपर में कहीं है आप करवाइए, आप बोलिए कि भाई न्यूज़ बना करके आप बना के दीजिए, उसको अपन फॉरवर्ड कर देंगे, फोटोज़ वगैरह जो हम लोग डिसाइड करके मैक्सिमम लोगों के आए वैसा दे देंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। वैसे कोई तेलुगु पेपर का किसी का है वो बताइए आप, तेलुगु पेपर वालों को उसमें देंगे अपन, बिल्कुल हम भी चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस कमेटी की अपनी पब्लिसिटी होना चाहिए, दूसरे जो हमारे करते सबके झाल झाल लिंक है वो सबसे, तो आप इसका अगर आपका कुछ फॉलो करें तो बिल्कुल करिए, इसके फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे, न्यूज़ भी आप थोड़ी बहुत बना करके दे दीजिए, उसके साथ में अपन कैसा क्या करना है दो दिन और पढ़ करके देख लेंगे, उसमें कुछ ठीक करना कराना है आपस में उर्दू के अंदर, तो बना करके बिल्कुल भेजेंगे मोहम्मद अली जी, आप वहाँ बैठ करके बना लीजिए बैठक, उसके आपका लिंक है उसमें जो आप बता दें आपके बातों से लगा कि उर्दू पेपर में आप भी जा सकेंगे। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि पीस कमेटी केवल हमारी बंद कमरे की कमेटी नहीं है, ये फील्ड में उतरने की कमेटी है, ये पूरी जनता को पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि हमारी पीस कमेटी क्या क्या करती है, कब से कर रही है और आगे क्या करना चाहती है, इससे क्या है कि बच्चों में भी अवेयरनेस आएगा कि भाई शहर में ऐसी भी कमेटी है, ऐसा भी काम करती है कराती है, हमको भी ये करना चाहिए। जब ये आनंद नम्मा जो बताए थे कि जो हमारी मीटिंग की जो हम लोग जब इतने मिनट्स वगैरह लास्ट टाइम भी जो है उदय सिंह मैडम को बोला था, वो पूरा बना करके अपने ग्रुप में डालिए बोल करके, शायद आपका वो आया है दोस्त नहीं आया,
तो आप कोशिश करिए कि हल नहीं कि होने के बाद आप आज शाम तक भी हो क्या घर में बैठ कर कुछ शॉर्ट कट करके तो लंबी छोड़िए तो लोग पढ़ेंगे नहीं, खाली शॉर्ट कट कर ये बात हमारी मीटिंग में होगी तो शॉर्ट लिस्ट कर देकर दोस्तों आप बिल्कुल पोस्ट कर दीजिए। तो वैसे ही दूसरे जोन के लिए भी जैसा आपने बताया बहुत अच्छा सुझाव है शर्मा जी से, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरे जोन का भी इस तरीके से बना करके हम इसको एक जस्ट लाइक एक मंथली बुलेटिन बोल सकते हैं पीस कमेटी मंथली बुलेटिन, क्योंकि हमारी आज 7 जोन्स हैं, हर जोन की हमारी मीटिंग होती है तो हम हमारी जोन की जो रहेंगी हम तो उसके सॉफ्टवेयर बना करके अपने ग्रुप में डाल देंगे, दूसरे जोन्स में भी डालेंगे कि हमारे मीटिंग के ये मंथ की आज हुई है इसकी हाईलाइट्स है हमारी, उसको देख करके शायद वो लोग प्रमोट हुई है और वो लोग होते नहीं होते लेकिन हमारी जोन का काम बराबर करेंगे, इसको बहुत अच्छी एडवाइस है। वो एक कॉम्प्लेट टाइप बन करके रहेगा तो उसके प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे हम लोग, जब भी ज़रूरत पड़ेगी निकाल करके जो है कोई भी ऑफिस में जाएंगे उसको प्रिंट आउट निकाल कर देंगे हम। रखा गया सारिक साहब बोलते थे रोज़ा है, रोज़े का मतलब ये है कि आप ऊपर वाले की इबादत में है, आप ध्यान कर रहे हो काम आप करिए, लेकिन सामने वाला खा भी रहा है तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होना उसका, क्योंकि आप अपने दिल को मार के बैठे हुए बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाना है नहीं खाना है, कोई कुछ भी खा लो आपकी फेवरेट चीज़ भी सामने वाला खाना तो उसके ऊपर आपको जाने नहीं नज़र नहीं जाना, वो एक्चुअल रोज़े का असर वो होता है। तो हम लोग कोशिश ये करते कराते हैं लेकिन बंद लिफाफे में भी क्या है उसमें भी आदमी की इच्छा रहती कि हमें वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका टेस्ट ये होगा ये मीठा होगा ये खा रहा होगा ये तो ज़बान पे और आँखों को देख करके आदमी आ जाता है इंसानियत के हिसाब से, लेकिन कोशिश ये करते हैं हम लोग कि अपने भाइयों के साथ भी किसी प्रकार ध्यान रखें कि भाई कोई खाना या नहीं खाना है। जो भी नए DCP से भी हम लोग कोशिश करेंगे मिलने की, नए ACP से भी करेंगे, नए SHO से भी करेंगे और उसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे मुलाकात करने की पूरा कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे रविंद्र साहब बताए थे हमारे को लास्ट टाइम भी कि भाई हमारे CM साहब से है और हमारे गवर्नर साहब से है, ऐसे कई सीनियर लोगों से भी टाइम लेंगे करेंगे और ये बेस्ट पीरियड है इलेक्शन के माहौल के अंदर, ये लोगों को बहुत जल्दी हम लोग को टाइम दे सकते हैं क्योंकि मालूम है कि ये हमारे सब वोटर्स भी है और ये हमारे प्रचारक भी है, हम लोगों के लिए एडवर्टाइज करना है, हम अच्छे आदमी हैं बोलकर के चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो ये लोग ये पब्लिक कर सकती है बोलकर के, ये टाइम बेस्ट पीरियड है कि आप उनसे अगर टाइम ले लेंगे तो वो लोग भी आपको बराबर टाइम दे देंगे, उनको बोलिए हमारे 100 आदमी है 500 आदमी है 700 आदमी है, आप बोलेंगे तो पूरे 700 का टाइम दे जगह बनाते हैं आपके पास आ जाते हैं हम लोग, आप बोलिए नहीं 50 को तो 50 भी लाते हो, आप बोलो 10 को 10 भी लाते हो, तो उनके सामने ये रहेगा कि ऐसे टाइम पर तो वो लोग बोलेंगे 700 को लेके आओ बोलते हैं। तो अभी ये मौका है कि आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं उसे रिड्यूस होने का, अपना मिलने का, हमारी पीस कमेटी क्या है बताने का, ऐसे टाइम के लिए आप इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। मैं नेक्स्ट अभी हमारे शर्मा साहब भी जो है काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लास्ट टाइम मेरे पास आए थे दुकान पे 4-5 दिन पहले तो बोल रहे थे मैं भी कोशिश करता हूँ अपने CM साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, गवर्नर साहब से भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो मेरे को बोले एक लेटर बना करके जब आप फटाफट उसको डाल और आप एडवोकेट है आप बोलते जाइए मैं फ़ोन पर टाइपिंग कर लेता हूँ बोला, क्योंकि इनको असिस्टेंट के बगैर टाइपिंग नहीं आती, जितने भी एडवोकेट्स रहते जनरली मैं देखा उन्होंने खुद डायरेक्टली टाइपिंग नहीं करते, वो लोग बोलते जाते उनका असिस्टेंट उनको टाइपिंग करता, तो वैसा मैं असिस्टेंट बन के फोन में टाइपिंग करते गया, जब भी इनको लेटर भेजा दिया मतलब इससे जो करेक्शन करना है करके आप अपना काम करिए, बाद में बोला लेटर मेरे को नहीं मिला मैटर क्या दिया नहीं देना दे दिया इनको, अब उसके बाद आप फॉलो अप में लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे शर्मा जी है डॉक्टर साहब है रवि करके हमारी पीस कमेटी के लिए क्या हो सकता है पर अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट बचे जो शंकर जोन में होती है, इसलिए मैं भी पाबंदी जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा नजम बोले कल मैं लेटर लेके अपने चेयरमैन के पास गया था, चेयरमैन साहब रिसीव करे, रिसीव करने के बाद जहाँ भिजाया था भिजाए, वैसा ही शर्मा जी भोजनों की बात आए चाय हो या पी लो मंगा लो, चाय पीते हुए उन्होंने कहा कि ये टॉपिक जरूर बचाइए पीस कमेटी, अब जो मंत्री मीटिंग है